धोलकिया और आप देख रहे हैं इस टुमारो न्यूज। कोरोना के साथ साथ भारी बारिश ने भी मुंबई में आम लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह बारिश का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है और कहर बरसा रहा है। अगर इस घर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर के रसोई घर से धीरे धीरे पहले पानी बह रहा है और तुरंत ही पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि वो पूरे घर में फैल गया और उनकी गति आप देख सकते हैं कितनी तेज है। और ये जो पानी अंदर आ रहा है वो कीचड़ से भरा हुआ पानी है और लोग जूझ रहे हैं इस पानी से बाहर निकलने के लिए। तालाब में जैसे तब्दील हो गए ऐसा लग रहा है और कादव कीचड़ से भरा पानी लोगों के घर में बह रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुंबई में कितनी हद तक बारिश ने अपना कहर मचाया होगा। बात करते हैं मुंबई के पॉश इलाकों की, तो ये दृश्य आप देख रहे हैं वह है दक्षिण मुंबई में विल्सन कॉलेज का जो इलाका है, सामने ही गिरगांव चौपाटी देख रही है, पर जो रास्ता है उस पर इतना पानी भर गया है कि जैसे समंदर और रास्ता एक हो गए हो। विजुअल्स में आप देख सकते हो कि समंदर की सतह और रास्ते पर जो पानी की सतह है वो एक नजर आ रही है। लोगों को काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि ये पानी जो है घुटने तक भर गया है और ऐसे में यातायात में काफी दिक्कतें लोगों को सहनी पड़ रही है। लोगों को घुटने तक के पानी में अपने व्हीकल निकालने पड़ रहे हैं। तो मुंबई के महालक्ष्मी सेंट्रल, ग्रांट रोड, चन्नी रोड समेत पूरे दक्षिण मुंबई में जल भराव देखने को मिल रहा है। मुंबई के कई इलाकों में बारिश की वजह से लोगों के घर के आसपास पेड़ गिरने की भी काफी शिकायतें बीएमसी को मिली है, जो कि अभी अलग अलग इलाकों से पेड़ हटाने की भी कार्यवाही चल रही है। भायखला की अगर हम बात करें तो वहां पर पानी इतना भर गया है कि जैसे रोड जो है वो एक नदी की तरह बह रहा है उसे। और साथ में हम आपको बता दें कि वहां का जो वानखेड़े स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम के बाहर का एक जो मलबा है वो पूरी तरह से ढह गया है। इसमें आपको बता दें कि वानखेड़े स्टेडियम के पीछे ही लोकल ट्रेन की पटरी है, जहां से हर एक मिनट में ट्रेन आती जाती रहती है और ये अचानक मलबा गिर जाने से एक नुकसान होते होते हुए भी बचा है। तो ऐसे काफी सारे इलाकों में बहुत ही तेज पानी भर जाने से, जल भराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ मुंबई कोरोना की मार की चपेट में है और साथ में अब बारिश ने भी कहर बरता है, तो लोगों को इसमें दुगना मार सहन करना पड़ रहा है। ऐसे में सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और देश दुनिया के मौसम और वातावरण घटनाओं की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल के संपर्क में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें।